वेलकम टू सरो समाजी को राउंडे चैनल। सरो समाजी को राउंडे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पलक झपकते ही आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार पूछे जा चुके हैं, जो आपके लिए हेल्पफुल वीडियो होने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए, प्रतिरोध क्या है, व्हाट इज रेसिस्टेंस, यानी प्रतिरोध क्या है, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। ये क्वेश्चन एक दो बार नहीं, कई बार पूछे जा चुके हैं, तो इसको मैं इतना बेहतर तरीका से आपको समझा दूंगा कि आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, और कोई भी वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने भूल चुके हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा दें, नहीं तो ये चैनल आप सर्च करते करते परेशानी में पड़ जाइएगा, क्योंकि ये चैनल आपके जीवन के लिए काफ़ी अहम होने वाला है। एक यही एक ऐसा चैनल है जो आपको कोई भी परेशानी को दूर करने की मादा रखता है। तो कोई वीडियो की ज़रूरत होगी आपको कमेंट करने से मिल जाते हैं। वीडियो पसंद होगा तो लाइक करना है, अन्यथा लाइक नहीं करना है। मैं ये जोर जबरदस्ती करने वाले नहीं हूँ। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, प्रतिरोध क्या है, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। तो ध्यान दीजिए, प्रतिरोध जो है पदार्थ का वह गुण होता है। प्रतिरोध क्या है, पदार्थ का वह गुण है जो धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है। इसका एसआई मात्रक ओम होता है। इसका जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है, ओम। इसे ओम का आप सिंबल भी लिख सकते हैं। अब कोई पूछ दिया एसआई का पूरा नाम क्या होता है, एसआई का पूरा नाम आप जान सकते हैं, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल मात्रक को यूनिट भी बोला जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, किसी चालक का प्रतिरोध जो है निम्नलिखित तीन बातों पर निर्भर करता है, ध्यान दीजिएगा। और मेरा एक चैनल होगा इंग्लिश मैथमेटिक डॉक्टर, उसे आप सब्सक्राइब कर दें। आपका हर प्रॉब्लम एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी वीडियो पत्र हो, हर तरह के वीडियो ये चैनल तो है ही, इसके अलावा आपको वो चैनल में भी मिल जाएंगे, बहुत ही हेल्पफुल चैनल होने वाले हैं, ध्यान दीजिए। तो पहला है चालक की लंबाई, दूसरा आप लिख सकते हैं उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, उसके पदार्थ की प्रकृति पर, तीन बातों पर निर्भर करता है। तो कोई और वीडियो की ज़रूरत होगी तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, आपको मिल जाएगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा आपको धुंधलापन दिखाई देगा क्योंकि वीडियो रात में बनाया जाता है।